अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसबी फिट। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं आपके पास एक नई वॉच लेके आया हूँ जिसका नाम है T800 मैक्स अल्ट्रा। तो ये आप देख सकते हैं भाई, आप मेरे चैनल पे डेली मैं नए नए स्मार्ट वॉचेस लेके आता हूँ आपके लिए। तो एक और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ क्या नाम है भाई इसका, T800 मैक्स अल्ट्रा। तो इसको आज हम करेंगे अनबॉक्स। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल एसबी फिट को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं भाई आज की वीडियो। तो भाई इसकी बहुत बिग स्क्रीन बनाई गई है 2.1 इंचेस की इस बॉक्स के मुताबिक। और ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं। बैक से अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसने बताया गया कि ये वॉच जो है इसकी एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगी और एप्पल स्टोर में भी मिल जाएगी। चलिए भाई इसका बॉक्स खोलते हैं और अनबॉक्स करते हैं जल्दी जल्दी, आपको इसके फंक्शंस बताते हैं आज इस वॉच के बारे में। तो वॉच का बॉक्स जो है ये आप देख सकते हैं भाई, ये मैंने खोल लिया भाई। वॉच का बॉक्स मैंने खोल लिया, इसके अंदर एक आपको दी जाती है एक मैनुअल बुक। ये मैनुअल बुक आप देख सकते हैं, इसमें आपको वॉच के बहुत सारे फंक्शंस बताए जाते हैं इंग्लिश के अंदर और समटाइम्स ये चाइनीज लैंग्वेज में भी मौजूद होती है। और यहाँ पे हमें एक QR कोड दिया जाता है जिससे हम इसकी एप्लीकेशन को ईजीली एंड्रॉयड हो एप्पल यूज़र्स हो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा वॉच के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास एक वायरलेस चार्जर दिया गया है इस वॉच का, जबकि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके स्ट्रैप्स भी दिए गए हैं वाइटिश कलर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात करें हम वॉच की, ये आप देख सकते हैं वॉच, इसको मैं ज़रा इसका कवर हटा देता हूँ ऊपर से इसका, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। करीब से अगर मैं आपको इस वॉच को दिखाऊं तो बड़ी ज़बरदस्त ये वॉच बनाई गई है। अगर हम बैक से इसकी बात करें तो यहाँ पे इसके स्क्रूज जो हैं वो सारे प्रिंटेड नहीं हैं, ये एक्चुअल में इसके स्क्रू दिए गए हैं। और यहाँ पे इसके स्ट्रैप चेंज करने के लिए एडजस्टेबल यहाँ पे इसके बटन्स भी दिए गए हैं। नॉर्मली इन वॉचेस के अंदर पीछे सिर्फ प्रिंट कर देते हैं, तो इन वॉचेस के इस वॉच के अंदर आपको पीछे सारी चीज़ें एक्चुअल में दी गई हैं। जबकि अगर वॉच की हम और बात करें तो यहाँ पे भाई एक क्राउन राउंड बटन, एक बैक बटन और एक अल्टरनेटिव बटन, और यहाँ पे एक स्पीकर। जबकि यहाँ पे चार आपको पॉइंट्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे ये आपका ओरिजिनल वॉच के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा माइक दिया गया है, अगर आप वॉच से बात करना चाहें कॉल पे तो आप वो भी बात कर सकते हैं। चले वॉच को ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं भाई इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो वॉच को मैंने ऑन कर लिया, ये आप देख सकते हैं भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे पास कितने वॉलपेपर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चेंज हो रहा है, हाँ ये चेंज हो रहा है, 6, 7 छः कसम के इसके अंदर वॉलपेपर दिए गए हैं हमारी इस स्मार्ट वॉच के अंदर। और एनिमेटेड इसके वॉलपेपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं इसका टाइम किस तरीके से ये चल रहा है। इसके अलावा सबसे पहले इसके बाद हम बात करेंगे मेन्यू स्टाइल के बारे में। तो ये आप इसका सबसे पहले टच चेक कर लें, अगर मैं आपको क्लोज दिखाऊँ तो इसका टच बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टच है गाइस, ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ वर्किंग में ये काम कर रही है वॉच और बहुत ही इसका अच्छा टच बनाया गया है। अच्छा मेन्यू स्टाइल की बात हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले राइट की तरफ अगर स्वैप करते हैं हमारे पास, तो राइट के स्वैप करने से हमारे पास यहाँ पे इसके वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं। और अगर हम लेफ्ट की तरफ स्वैप करें तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मेन्यू दिया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी और हार्ट रेट और इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो भाई दोस्तों ये इन स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो हार्ट रेट की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हेल्थ से रिलेटेड होती है तो ये सारी ही फेक होती हैं। मैं इन वॉचेस के अंदर आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस वजह से ये आप इस वॉच को बाय करें, जस्ट फॉर टाइम और नोटिफिकेशन वगैरह के लिहाज से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इन वॉचेस को ज़रूर बाय करें, लेकिन हेल्थ से रिकमेंड मैं आपको कभी भी वॉचेस नहीं करूँगा। अच्छा भाई ऊपर से अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन दिया गया है। इस वॉच को आप जब ब्लूटूथ से अपने कनेक्ट कर लेंगे मोबाइल के तो यहाँ पे जो है जो भी कॉल आएगी आपके और जो भी आप मोबाइल में कुछ भी प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पीकर से आवाज़ आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लैश लाइट दी गई है, ये आप देख सकते हैं, कभी आपको अगर फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ जाती है अंधेरे के अंदर तो यहाँ पर एक फ्लैश लाइट भी दी गई है।
और यहाँ पे ब्राइटनेस कम थे इसका ऑप्शन दिया गया, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसकी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इसकी नॉर्मल आप यूज़ पे रखें ताकि आपकी बैटरी जो है कम यूज़ हो। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पे कुछ इसके मेन्यू स्टाइल बताए गए हैं। हमारे पास चार और ये पांच किस्म के हमारे पास यहाँ पे मेन्यू स्टाइल इसके दिए गए हैं। और यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जब आप अपने फ़ोन से अगर म्यूज़िक प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गाना जो भी है आपका आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो पांच किस्म के इसके मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा एक और भी हमारे पास शॉर्टकट की होता है यहाँ पे, अगर आप ये क्राउन राउंड बटन को डबल टैप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके मेन्यू स्टाइल इसके चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तीसरा ये, इसका चौथा मेन्यू स्टाइल है, ये पांचवा है। तो भाई पांच कदम के इसके अंदर मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं। तो मैं आपको इस वॉच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और क्या क्या फंक्शंस मौजूद है इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी जो सेटिंग है सेटिंग्स में जाकर और अगर स्क्रीन टाइम जो है इसका वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार बार बंद हो रही है तो मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ इस वॉच के बारे में। तो भाई सबसे पहले हमें डायल दिया गया है, जब आप इसकी ब्लूटूथ को अपने ब्लूटूथ से अपने कनेक्ट कर लेंगे इस वॉच को, एक तो आपको एप्लीकेशन से भी कनेक्ट करना है, इसके अलावा आपको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना है, उसके बाद आप इसकी कॉलिंग और यहाँ से आप वॉच से कॉल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं नंबर डायल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये इस वॉच को इस व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके भी इस वॉच को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से भाई आप इसकी कॉलिंग का ऑप्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे आप जाके डायल भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं आपके मोबाइल के, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं इस वॉच के अंदर शो हो जाएंगे जब आप इसकी एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कॉल की जितनी भी आपकी लॉग है, इसके जितने भी आपके पास हिस्ट्री होगी कॉलिंग की, वो आपको ये शो कर देगा। मैसेज का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशंस होंगी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। बाकी ये कुछ दिए गए हैं, स्लीप एडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, तो मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इसको आप इग्नोर कर दें। बीटी कैमरे का मकसद यही है कि आप जब इस वॉच को अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेंगे तो इस ऑप्शन से आप अगर चाहें तो पिक्चर खींच सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन आ जाता है और आपके मोबाइल में पिक्चर खिंच जाती है अगर वहाँ पे कैमरा खुला होगा और ये कनेक्ट होगी। इसके अलावा बीटी म्यूज़िक दिया है, म्यूज़िक का मैं आपको बता चुका हूँ। फाइंड फोन, अगर आपका फ़ोन आपकी वॉच से कनेक्ट है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वॉच के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर अलार्म बज जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन कहाँ है। इसके अलावा यहाँ पे अलार्म दिया गया है, अबाउट दिया गया है, सेटिंग को हम बाद में देखेंगे, ब्राइटनेस में आपको बता चुका हूँ। QR कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा जिससे आप इसकी एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपकी वॉच रीसेट हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। इसके अलावा आर्ट रेट, सारी ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, इसको आप इग्नोर कर दें। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं उस वॉच की। और ये कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये अगर आप करना चाहें तो सही है, वरना मैं तो इसको बोलूँगा आप ये इसको भी इग्नोर कर दें। यहाँ पे वेदर दिया गया, मोबाइल में आपका जो भी वेदर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टॉप वॉच दी गई है इस वॉच के अंदर, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त वर्किंग में काम कर रही है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है, कैलकुलेटर भी बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है इस वॉच के अंदर। और इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो आप टच से भी कर सकते हैं और क्राउन राउंड बटन से भी इसके मेन्यू बार में नीचे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टाइल दिया गया है और सिरी का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर भी ऑप्शन होता है सिरी पे, आप क्लिक करके आप अपने वॉइस के थ्रू अगर किसी जो भी एक्शन आप करना चाह रहे हैं वो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2048 यहाँ पे एक अदद इस वॉच के अंदर गेम भी दिया गया है, अगर आप गेम खेलना चाहें। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, ट्विटर, जितने भी हैं ये आपके पास ये नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके सारे फंक्शन बता दिए हैं, तो चलें इसकी सेटिंग में जाके भी चेक कर लेते हैं और क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है, हैंड लाइट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप रिस्क अपनी मूव करते हैं, अगर आप चाहते हैं वॉच का डिस्प्ले ऑन हो तो आप ऑन कर लें। स्क्रीन टाइम मैंने आपको बता दिया कि भाई ये मैंने
अभी 30 सेकंड करा है, वरना 5 सेकंड बाद ये स्क्रीन का टाइमिंग बंद हो जाएगा। ये आपका बैक बटन है, यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो शो नहीं होगी। जबकि यहाँ पे हमारे पास शॉक का कोई ऑप्शन दिया गया है, इतना खास ऑप्शन नहीं होता तो उसको आप इग्नोर करें। स्टाइल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, मेन्यू स्टाइल यहाँ पे सेटिंग में भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा लैंग्वेज है, फाइंड फोन है, और इसके अलावा एज सच खास तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया इसके अंदर। एक पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया, अगर आप इस वॉच के अंदर अपना पासवर्ड सेट करना चाहें तो आप वॉच के अंदर पासवर्ड सेट कर सकते हैं इस वॉच के अंदर। और जबकि अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, अगर आप इसके वॉच के अंदर अपने कस्टमाइज डिस्प्ले लगाना चाह रहे हैं, अपना डिस्प्ले लगाना चाह रहे हैं, तो जब आप इस वॉच को अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके कुछ उसके अंदर भी बहुत सारे मेन्यू वॉलपेपर दिए गए होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। जबकि अगर आप अपना कस्टमाइज डिस्प्ले लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, ये ऑल्टरनेटिव बटन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बटन से इन्होंने स्पोर्ट की एक्टिविटी सेट की हुई है, अगर आप चाहें तो ये बटन दबाएंगे तो आपके पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शो हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट की होती है, और अगर आप इस वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी कॉलिंग होगी तो ये स्पीकर इसीलिए दिया जाता है आपको आवाज़ आ जाए बाहर की। अगर आप बैक से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्कैन QR दिया गया है, ये ब्लिंक करता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक तरीके से मैं तो इसको भाई फेक ही बोलूँगा और इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आप देख सकते हैं लाइट जल रही है पीछे, तो भाई इसके ऊपर आप कभी भी नहीं जाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत बताता है, एक्यूरेट आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि ये वॉचेस लोकल वॉचेस होती है, कोई ओरिजिनल वॉचेस नहीं होती हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं इस वॉच को हम कहाँ से बाय करें तो हमारी वेबसाइट sgfit.pk पे जाके बाय कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भाई के साथ जुड़े रहें और डेली आपके पास नए नए स्मार्ट वॉचेस, नए नए प्रोडक्ट्स आएँ, तो भाई अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली आपका भाई ऐसी नई नई वीडियोस बनाते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़।